जन्माष्टमी का पर्व वैसे तो हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 अगस्त को पड़ने वाला जन्माष्टमी का यह पर्व अपने आप में बेहद ही खास और चमत्कारी रहने वाला है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी के मौके पर ऐसे चार अद्भुत संयोग एक साथ बनने जा रहे हैं जो पहले द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर एक साथ देखने को मिले थे। लंबे समय के बाद इस दुर्लभ संयोग के चलते जन्माष्टमी का पर्व इस बार सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला साबित होने वाला है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। यदि देखा जाए तो इस बार चार संयोग ऐसे मन रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कि जो द्वापर युग के समय बने थे। यदि देखा जाए तो रात्रि को भादव की कृष्ण पक्ष की रात्रि मतलब कि सोमवार रात्रि 26 अगस्त को भादव की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहेगी। दूसरा रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तीसरा वृष लग्न रहेगा और वहीं यदि देखा जाए तो चंद्रमा भी वृष राशि में रहेगा। तो यहाँ पर कई सारे चार संयोग इस बार हो रहे हैं, इस बार चार संयोग देखने को मिल रहे हैं जो कि द्वापर युग के समय भगवान कृष्ण के जन्म के समय यही संयोग देखने को मिले थे। और यदि देखा जाए तो इस बार यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो उसका विशेष फल है और इसका समय रात्रि को 12 बजे से और 12:45 तक रहेगा। या और इसके अलावा आप यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, शास्त्रों में भविष्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसको 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त होता है, साथ ही अकाल मृत्यु से उसका बचाव होता है। यदि आप पूजा की कहा जाए तो आप सुबह जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान कृष्ण के आगे भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। अभी लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा कीजिए, नई पोशाक चढ़ाइए उनको, साथ में उनका चंदन और फल फूल उनको चढ़ाइए और संकल्प लीजिए कि भगवान मैं आपके लिए व्रत रख रहा हूँ जन्माष्टमी का, आप इस व्रत को सफल बनाइए। और उसके पश्चात रात्रि को आप जागरण कीजिए 12 बजे तक और 12 बजे भगवान कृष्ण का जैसे ही जन्म जो होता है उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की दोबारा से पूजा कर सकते हैं। यदि और भगवान को नैवेद्य मावे से बना हुआ कोई भी मिष्ठान और धनुष और साथ में धनिया और पंजीरी, जिसे हमारे यहाँ धनुष पंजीरी बोला जाता है, या धनिया या पंजीरी आप जरूर चढ़ा।